हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों. मैं जितेंद्र यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, फाउंडर एंड डायरेक्टर आइडियल कंपटीशन एकेडमी, पांडेपुर, वाराणसी. दोस्त, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे. मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे. क्वाड्रिलेटरल में हम लोग कल डिस्कस किए थे स्क्वायर के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखा था स्क्वायर के बारे में. आज जो सेशन होगा, स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है दोस्त, तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं स्क्वायर पे बेस्ड. बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, बट पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें. देखिए, आप स्क्वायर है, कोई एक स्क्वायर दे रखा है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है. ठीक है, स्क्वायर की खास बात क्या होती है कि साइड क्या होती है, बराबर होती है. साइड ए है तो ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा. कॉर्नर कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं. कॉर्नर कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर. आजकल ये क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है क्या, कि अगर इसको सेंटर मान करके ए रेडियस का एक क्वाड सर्किल खींचा जाए और इसको सेंटर मान करके ए रेडियस का एक क्वाड सर्किल खींचा जाए, तो इस पत्ती, ये जो लीफ बनी, ये जो पत्ती बनी, इसका एरिया किसके बराबर होगा, ये जो लीफ बनी इसका एरिया कितने के बराबर होगा. तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं. ठीक है, इसमें पहला तरीका देखते हैं हम. देखिए, आप मैंने आपको एक बात बताई थी. क्या बताया था कि कोई एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है. सपोज के लिए आर है, तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया. क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया, त्रिज्याखंड बन गया. ठीक, ये आर है, ये कितना है, सपोज करिए कितना है, थीटा है. ठीक है, तो इसका एरिया कितने के बराबर होता है, एरिया बराबर में क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू थीटा अपान में कितना होगा, 360 डिग्री इनटू में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा. क्या होगा, इनटू में पाई आर स्क्वायर होगा. ठीक है, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है. ठीक, तो देखो दोस्त, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कुछ देर के लिए इसकी बात करूँ, ये जो पत्ती है, पूरे ये क्वाड सर्किल जो बना हुआ है उसका एरिया कितना होगा, तो ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री. तो 90 डिग्री अपान में कितना होगा, 360 डिग्री इनटू में कितना, पाई. आर की जगह क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा. ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, एक बटे में कितना होगा, चार. ये कितना होगा, एक बटे चार गुणे में कितना हो गया, 22 बटे में कितना होगा, 60 इनटू में कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया. तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप, 11 बटे में ये कितना हो जाएगा, 2. तो कितना होगा, 11 बटे में कितना होगा, 14 ए स्क्वायर हो गया. दोस्त देखो, आप समझो इस बात को, ये जो एरिया आया, इसका पूरा का पूरा ये एरिया आ रहा है. ये जो एरिया आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है. और ये एरिया कितने के बराबर आ रहा है, एक बटे चार. पाई का मान कितना होता है, 22 बटे सात ए स्क्वायर. तो ये कितना हो गया, दो से कैंसिल आउट किया तो दो एकम दो, दो एकम दो हो गया. और ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर के बराबर. दोस्त देखो, अगर मैं इस पूरे क्वाड में से अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया घटा दूँ, तो क्या ये आधी पत्ती का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, आधी पत्ती का क्षेत्रफल आ जाएगा. और उसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या पूरी पत्ती का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या. पहली बात तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, एक बटे दो. बेस कितना है, ए है. और ऊंचाई कितनी है, ए है. तो इसका एरिया कितना आ गया, एक बटे दो ए स्क्वायर के बराबर आ गया. कितने के बराबर आ गया, एक बटे दो ए स्क्वायर के बराबर आ गया. तो दोस्त, इस आधी पत्ती का क्षेत्रफल आप क्या लिख सकते हो, आधी पत्ती का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हो आप, 11 अपान में कितना, 14 ए स्क्वायर लिख सकते हो क्या, माइनस में कितना, 1 बटे 2 ए स्क्वायर. ठीक है गाइस, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है. देखिए, इसके बाद अगर मुझे पूरी पत्ती का क्षेत्रफल निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है. जितना इधर एरिया है, ये पोर्शन है, उतना ही इधर ये पोर्शन भी होगा. तो ये कितना हो जाएगा, 11 अपान में कितना हो जाएगा, 7 ए स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर. जब आप इसका 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, 11 अपान 7 ए स्क्वायर, माइनस में कितना हो गया, ए स्क्वायर. ठीक है, अगर आप दोस्त ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 11 अपन 7 माइनस में 1. इसको और सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इनटू में कितना हो गया, 4 अपन में कितना हो गया, 7. तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इस तरीके का अगर कोई सर्किल बन रहा है, इस तरीके का कोई सर्किल क्वाड सर्किल स्क्वायर में बनाया गया है, तो उस पत्ती का एरिया कितने के बराबर होगा, 4 अपन 7 ए स्क्वायर के बराबर होगा. कट इट.
ये बहुत सारे जगह इसे इस रिजल्ट को लोग बोलते हैं कि याद कर लीजिए, आपको ये समझाया गया कि आया कैसे। अगर ये आपको बातें समझ में आ रही है कि आया कैसे, तो अगर आप भूल भी जाते हो कभी, तो इसको आप मात्र 10 से 15 सेकंड लगेगा, आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए आप देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, समझिए आप इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस बात को देखते हैं। 4/7 ए स्क्वायर इस पत्ती का एरिया आ रहा है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, समझिए आप। देखिए देखिए अगर मैं ये जो क्वाड बनाया इसको मैं डायग्राम नंबर 1 का नाम दे दूं, ये जो क्वाड मैंने एक बनाया इसको मैं डायग्राम नंबर 1 का नाम दे दूं, और दूसरा जो एक क्वाड मैंने बनाया इस तरीके का जो दूसरा क्वाड, इसको सेंटर मान करके, ए को मैंने रेडियस मान करके एक दूसरा क्वाड बनाया, इसको मैं डायग्राम नंबर 2 का नाम दे दूं, इन दोनों डायग्राम में से अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ करके इसमें से अगर मैं एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूंगा, तो क्या पत्ती का एरिया आ जाएगा क्या? क्यों आ जाएगा? क्योंकि दोस्त देखो आप, ये जो पोर्शन है इसमें भी आ रहा है, ये जो पोर्शन है एक बार इसमें भी आ रहा है, तो ये जो पोर्शन डॉटेड पोर्शन हो रहा है, ये दो बार आ रहा है, एक बार इधर से काउंट हो रहा है, एक बार इधर से काउंट हो रहा है, और इसमें से अगर मैं एरिया घटा देता हूं तो ये एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो दो बार आया था उसमें से एक बार स्क्वायर का एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा? पत्ती का एरिया बच जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो देखो आप इस क्वाड का एरिया कितने के बराबर होगा। अगर ये बात नहीं समझ में आई आपको, तो देखो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो डायग्राम नंबर 1 मैंने रिप्रेजेंट किया है, अगर मैं दोनों को मिक्सअप करूँ और उसको मैं डॉटेड पोर्शन से दिखाना चाहूँ, तो क्या मैं इस तरीके से दिखाऊँगा क्या? ठीक, जो डायग्राम नंबर 2 मैंने मेंशन किया है दोस्त, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँ और इधर से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो लीफ का एरिया है दो दो बार आ गया है क्या? बाकी एरिया तो एक एक बार आया है, जो लीफ का एरिया वो दो बार आया है। अगर मैं इसके एरिया में से एक स्क्वायर का एरिया घटा दूं, तो ये वाला एक बार माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसमें ये जो दो बार एरिया है एक बार माइनस हो जाएगा, तो क्या लीफ का एरिया बचेगा क्या? बात समझ में आई? देखिए आप, एक क्वाड का एरिया कितना होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 90 डिग्री अपान में कितना, 360 इनटू में कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। ए आर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर। क्या ऐसा दो क्वाड बन रहा है क्या? तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें से क्या करिए आप, एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 9 × 4 = 36 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। इसको और सॉल्व किया आप, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया, 22/7 और 7 दुनी कितना हो जाएगा, 14। 22/7 कितना हो गया, ये 14, माइनस में कितना हो गया, 1 हो गया। इसको और आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, 22 में से 14 माइनस करोगे आप तो कितना बच जाएगा, 8/7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों आप, तो ये कितना हो गया, 4/7 कितना, 7। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 4/7 ए स्क्वायर। मतलब इस लीफ का एरिया कितने के बराबर होगा, 4/7 ए स्क्वायर के बराबर होगा। बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ें, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्क्वायर पे, वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप याद भी रख सकते हैं दोस्त, इस बात को, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बट अगर बस कोई रटवाता है आपसे या रटने के लिए बोल देता है, वो सही नहीं है। आप कितनी बातें रटोगे, क्योंकि स्क्वायर में बहुत सारी बातें हैं, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में बहुत सारी बातें हैं, हर डायग्राम पे 10-10 पॉइंट प्रॉपर्टीज हैं, कितनी बातें रटोगे आप, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्वायर में दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए एक स्क्वायर है, इस तरीके का एक स्क्वायर बनाया गया, ठीक, एक इस तरीके का स्क्वायर बनाया गया। देखिए अभी तक तो हम इसको सेंटर मान रहे थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस भुजा के, स्क्वायर है तो सारी भुजाओं की लेंथ कितनी होगी, ए के बराबर मैंने मान लिया, ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए।
कॉर्नर कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री। स्क्वायर में कॉर्नर कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री। अगर इसके मिड पॉइंट को सेंटर मान करके अगर मैं एक सेमी सर्किल बनाऊं और इसके मिड पॉइंट को सेंटर मान करके मैं अगर सेमी सर्किल बनाऊं, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को सेंटर मान करके मैं एक सेमी सर्किल बनाऊं और इसके मिड पॉइंट को सेंटर मान करके मैं एक सेमी सर्किल बनाऊं, ठीक है। तो इस तरीके से चार लीफ बन रही है, सिमेट्रिकल बनेगी। वाइट बोर्ड पे पेन से मैं बना रहा हूँ तो शायद आपको सिमेट्रिकल ना दिखे, लेकिन सिमेट्रिकल बनेगी, ठीक। एग्ज़ाम में पूछता है कि ए साइड का एक वर्ग है, ये जो चारों पत्ती बन रही है, ये जो चारों पत्ती डिजाइन हो रही है, इनका एरिया कितने के बराबर होगा, इसका एरिया कितने के बराबर होगा। बहुत ही आसान है, देखो कैसे, आप देखो कैसे, इसका भी एरिया उतना ही होगा जितना पिछले क्वेश्चन का हुआ था, एक जो कंप्लीट लीफ का हुआ था। कंप्लीट लीफ का एरिया कितना हुआ था, 4/7 ए स्क्वायर हुआ था। ये चारों पत्ती का एरिया भी उतना ही होगा, कैसे होगा समझते हैं। देखिए आप, एक स्क्वायर है, चार सिमेट्रिकल चीज़ें बन रही हैं, क्या मैं इस स्क्वायर को चार बराबर भागों में बांट सकता हूँ क्या, क्या मैं इस स्क्वायर को चार बराबर भागों में बांट सकता हूँ क्या, बांट सकता हूँ, बिल्कुल बांट सकता हूँ। देखिए ये लेंथ कितनी है, ए है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ए बाई टू हो गई क्या, ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बाई टू हो जाएगी। अगर मैं इस पत्ती का एरिया, इस लीफ का एरिया निकाल लूँ और उसमें चार से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या चारों लीफ का एरिया आ जाएगा क्या। अभी एक पत्ती का एरिया मैंने क्या निकाला था, 4/7 ए स्क्वायर, ए क्या, स्क्वायर की साइड। अभी ए की जगह यहाँ पर क्या है, ए की जगह यहाँ पे क्या है, ए बाई टू का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो ये डाटा कितने के बराबर हो गया, 4/7 ए स्क्वायर इंटू में कितना होगा, 4 होगा क्या, हाँ या ना। तो एक लीफ का एरिया कितना आ गया, ए स्क्वायर अपान में कितना हो गया, 7 हो गया। तो इन चारों लीफ का एरिया कितने के बराबर होगा, 4 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू ए स्क्वायर अपान में कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/7 ए स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट गाइज, आ रहा है समझ में, ठीक है, आगे बढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आया कि नहीं। लास्ट में, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम जो कल आपको होमवर्क दिए थे वो भी डिस्कस करेंगे कि कितना हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्क्वायर पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आप, लास्ट में जो कल मैंने होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आज एक क्वेश्चन और देखते हैं स्क्वायर पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रही बातें, चलिए। जहाँ पे भी आप बैठे हो, YouTube पे क्वेश्चन देख रहे हो, हाँ या ना बोलो आप, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई दे सकते हो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्क्वायर पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई एक स्क्वायर है, इस तरीके का क्या है, कोई एक स्क्वायर है और इसको सेंटर मान करके एक सर्किल इस तरीके से बनाया गया है, इसको सेंटर मान करके एक सर्किल इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। स्क्वायर है जिसकी साइड कितने के बराबर है, ए के बराबर है। तो चारों भुजा, ये ए होगा तो ये भी ए और ये भी क्या होगा, ए के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो पा रहा है, ठीक। यहाँ पे एक सर्किल बनाया गया है जो इन दोनों साइड को टच कर रहा है, उस सर्किल को टच कर रहा है, और पूछा गया है कि इसकी रेडियस कितने के बराबर होगी। इसकी रेडियस आप क्या मान लीजिए, स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसकी रेडियस किसके बराबर होगी, आपको बताना है कि कितने के बराबर होगी, ठीक। आप अगर ट्राई कर रहे हैं, जैसे ये रेडियस, इसकी रेडियस कितने के बराबर होगी, ये तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी रेडियस, ये ए है पूरी भुजा, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है ए के टर्म में इसकी रेडियस पूछ रहा है। एक ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है, इस तरीके से डायग्राम बनाया गया है कि एक जो सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल, वो स्क्वायर की चारों भुजाओं को टच कर रहा है। कैसा स्क्वायर, जिसकी साइड कितने के बराबर है, ए सेंटीमीटर के बराबर है। एक दूसरा सर्किल बनाया गया है जो बड़े वाले सर्किल को टच कर रहा है और बाकी कॉर्नर में दो भुजाओं को टच कर रहा है। तो जो छोटा सर्किल बना है उसकी रेडियस के बारे में पूछ रहा है कि उसकी रेडियस और भुजा ए के, ए में क्या रिलेशन होगा, ठीक। ए के टर्म में आपको बताना है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके 2 मिनट ट्राई करिए, हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए आप,
देखिए दोस्त, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, तो एक बात बताइए, ये एक छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कि स्पर्श रेखा और सेंटर से स्पर्श रेखा के बिंदु को मिलाने वाली रेखा है कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर। ये डायग्राम थोड़ा इस तरीके से बना हुआ है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये ए बाई टू है, ये ए बाई टू है, तो ये भी क्या बन रहा होगा, एक स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसको नाम दे दूँ मैं ए बी सी डी, अगर इसको मैं इस तरीके से नाम दे दूँ, इस डायग्राम को मैं थोड़ा अलग से बनाता हूँ कि आपको बातें और क्लियरली समझ में आए। एक स्क्वायर बना, ये क्या है ए बाई टू है, ये कितना है ए बाई टू है। एक सर्किल कितना है, जिसकी रेडियस कितने के बराबर है, आर के बराबर है, कितने के बराबर है, आर है। और ये भी क्या है, आर है, ये भी कितना होगा, आर होगा। ये भी क्या 90 डिग्री, ये भी क्या 90 डिग्री। तो एक बात बताइए आप, ये वाली लेंथ कितने के बराबर होगी, ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा, आर रूट टू हो जाएगा क्या। क्यों आर रूट टू हो जाएगा दोस्त, आपको स्क्वायर में बताया गया है कि कोई स्क्वायर इस तरीके से बन रहा है, इसकी आर है, ये लेंथ आर है, तो डायगोनल कितने का होगा, आर रूट टू होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो देखिए ये वाली लेंथ तो कितनी हो गई, आर रूट टू हो गई, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, आर हो गई। और इस वाली लेंथ की मैं बात करूं तो ये वाली लेंथ कितनी है, ए बाई में कितना है, टू के बराबर है। ए बाई में कितने के बराबर है, टू के बराबर है। ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है, जिसकी भुजा कितनी है, ए बाई टू है। तो इसकी लेंथ कम्प्लीटली, इसकी लेंथ कितने के बराबर होगी, ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू इंटू में कितना होगा, रूट टू होगा क्या। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए बाई टू प्लस में आर प्लस में कितना, आर रूट टू के बराबर हो जाएगा। गॉट इट गाइस, समझ में आ रही बातें आपको, ठीक है। इसको आप इधर ले आइए तो ये कितना हो जाएगा, ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू माइनस में कितना होगा, वन हो जाएगा। देखिए आप, अगर आप यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना होगा, 1 प्लस रूट टू कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो r बराबर में कितना होगा, r बराबर में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, r बराबर, स्मॉल r बराबर में कितना हो जाएगा, देखो आप, a बाई टू ये कितना हो जाएगा, रूट टू माइनस वन अपान में कितना हो जाएगा, रूट टू प्लस में कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। देखिए इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहें तो, जैसे आप रूट टू प्लस वन और इंटू रूट टू प्लस वन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। गॉट इट गाइस, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम कितना हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो कल हम लोगों ने आपको, कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको एक बार समझ लेते हैं, कल क्या होमवर्क दिया था मैंने, उस बात को एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए इधर, देखिए इस तरीके का होमवर्क दिया था मैंने, ये बोला था कि कोई एक स्क्वायर है दोस्त, क्या है, कोई एक स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर है ए बी सी डी, क्या है, स्क्वायर है ए बी सी डी। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने से आकृति, बनी आकृति कैसी आकृति होगी, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो देखिए आप, एक थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम, त्रिभुज में मिड पॉइंट थ्योरम होती है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताती है कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एक ट्रायंगल है, ए बी सी मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, तो ए बी के मिड पॉइंट और ए सी के मिड पॉइंट को मिलाने वाली ये जो रेखा होगी, ये बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। मान लीजिए एक्स वाई है तो ये बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। और एक्स वाई की लेंथ क्या होगी, बी सी बाई में कितना होगा, टू के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, बी सी बाई टू के बराबर होगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है, समझना
थोड़ा नहीं है, इसे आपको जानना है कि मिड पॉइंट थ्योरम होती है और अगर इस तरीके से हो रहा है तो इसकी ये वैल्यू होती है। क्यों? कब? जब x और y क्या हो, AB और AC के क्या हो, मिड पॉइंट हो, तब xy की लेंथ क्या होगी, BC बाई में कितना होगा, 2 के बराबर होगा, और जो xy होगी लाइन वो BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये बातें समझ में आ रही है? चलिए दोस्त, देखिए आप, कल हम लोगों ने एक थ्योरम प्रूव किया, मैंने बताया था कि जो डायगोनल होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि AC बराबर में कितना होता है, BD होता है। AC बराबर में कितना होता है, BD होता है। और कल मैंने एक और बात हमने बताई थी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में कि ये जो एंगल होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इस बात को हमने प्रूव भी किया था, क्या प्रूव भी किया था कि ये जो एंगल होता है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। चलिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ABC की। तो ये क्या है, ये दोनों पॉइंट क्या हैं, AB और BC के मिड पॉइंट हैं। तो ये जो लाइन होगी दोस्त, क्या ये AC के पैरेलल होगी क्या, और इस लाइन की लेंथ कितने के बराबर होगी, AC की लेंथ कितनी है, D, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, D बाई 2 हो जाएगी क्या, हाँ या ना। इसी तरीके से दोस्त, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, त्रिभुज ACD की बात करूँ, तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी, तो ये भी लाइन कितनी होगी, D बाई 2 होगी। एक बात बताइए आप, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, तो क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, क्या पैरेलल होंगी, ठीक है। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। हमेशा आप याद रखिए दोस्त कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो इन दोनों एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। इसको मैंने 90 डिग्री प्रूव किया है, ये फिर 90 हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्त आप इसको भी पैरेलल इसके प्रूव कर सकते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, D बाई 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, D बाई 2। जब इसके पैरेलल ये लाइन हो जाएगी, इसके पैरेलल ये, तो ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। इसी तरीके से इन चारों कॉर्नर को आप क्या प्रूव कर सकते हैं, 90 डिग्री के बराबर प्रूव कर सकते हैं। और चारों भुजाएँ कितने के बराबर है, D बाई 2 के। कोई ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएँ बराबर हों और कॉर्नर 90 डिग्री पर हों, तो ऐसी आकृति को अपन क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग। तो क्लास, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आकृति कौन सी बनेगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, वर्ग होगा। आज के लिए दोस्त इतना ही, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।